वो बीजेपी के नेता भी हैं भाई। क्या नाम है? मुझे हाय दुख दे मेरे सुना दो मुझे। ब्रदर अहले सुन्नत मौजूद हैं, अहले हदीस भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, सुफियान भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, सब मौजूद हैं। बाहर मातम भी हो रहा था तो चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आप देख रहे हैं सारी ब्लॉग में तो सो हो उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है ईशान भाई विद मी सर। तो भाई बाहर क्या हो रहा है? भाई वो अलम आ रहा है। अलम आ रहा है तो भाई अब मैं आपको दिखा दूँ अलम क्या चीज़ होती है। बात मेरा मुँह हो रहा है सोया सोया से, तो भाई उसको मत देखना भाई, शोर तो आगे हो रहा है। तो चलो मातम भी हो रहा था तो चलो चलते हैं। आपको पूरे देते हैं मुहर्रम का, कौन सा मुहर्रम है? नवा आठवा, आठवा मुहर्रम। तो चलो आठवा मुहर्रम दिखा दूँ। देखो भाई देख लो पूरे पुलिस वाले तक उन्हें लगा रखा है वहाँ पे। ये अलम देख लो भाई, ये होते हैं अलम, है ना भाई जन भाई होते हैं ना अलम। तो भाई देखो ये भी कह रहा था ब्लॉग माने को भाई आ गए ब्लॉग में सुकून। तो भाई देख लो और कब तक निकलेंगे ये? अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। चलो भाई अलम आपको दिखाता हूँ पूरी पुलिस, देखो ये होता है कुछ मोर रहा हूँ कुछ दिखाने वाला है आपको। तो दिखाओ भाई भाई कल भी रोशिद साहब से मजलिस पढ़वाइए, वो देखो जो वहाँ पर मजलिस पढ़ रहे हैं वो बीजेपी के नेता भी हैं भाई। क्या नाम है? कल और अगर आप तारीख उठा के देखें तो देश का कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ है जिसने करबला और करबला वालों के लिए अपनी सहानुभूति व्यक्त न की, क्योंकि हमारा देश भारत हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा रहे। मेरे अजीजान मैं इस वक्त देख रहा हूँ हमारी माएँ बहनें बच्चियाँ बेटियाँ और सादात किराम मौजूद हैं, शिया हज़रात मौजूद हैं, बरादरान अहले सुन्नत मौजूद हैं, अहले हदीस भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सुफियान भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब मौजूद हैं। देखो मैं तुम्हें बताऊं कि असल में इस्लाम में मामला कहाँ जाके तय होता है। इस्लाम में मामला एक ही मकाम पे आके तय होता है जिसे विलायत कहते हैं। विलायत को जो मानेगा वो बचेगा। अब आप कहेंगे कि ये विलायत क्या चीज? तो हर प्रोडक्ट, चाहे आप अचार उठा लें, चाहे आप दूध उठा लें, चाहे आप कोई भी पैकेट उठा लें, उसमें सजदे कब तक चलेंगे ये डिपेंड करता है आप विलायत को कितना मानते हैं। ये सजदे 5 दिन चलेंगे, 10 दिन चलेंगे, 15 दिन चलेंगे या महशर तक चलेंगे डिपेंड करता है आपका के पानी को मूसा के लिए मुसखर कर दिया। यानी अल्लाह जिस चीज का पावर अंबिया के हाथ में देता है उस चीज के पावर को ही विलायत कहा जाता है, पावर को ही विलायत कहा जाता है, समझ रहे हैं ना? पावर कोई, अब सबकी लिमिटेशन अलग अलग है। किसी की 6 महीने की है, किसी की 6 साल की है, किसी की एक नदी की है, किसी की सारे नदी की है, किसी की एक इलाके की हवा की है और किसी की कायनात के आपने 60-40 होंगे। कई जगह पढ़ा है ना, इल्ला फी मोहब्बत करता जमीन न बनाता आसमान न बनाता। अगर मैंने मोहम्मद और आले मोहम्मद को नहीं बनाया होता, यानी ये सब कुछ समझ में आ रही है। तो अब सवाल यह है कि सबको थोड़े थोड़े टाइम के लिए पावर दिया गया, किसी को पावर तो इनके गुलामों के पास है। अब आप कहेंगे मौलाना वो कैसे, मैं भी दिखाता हूँ। देखिए शम्स तबरेज हैं, मस्जिद में दाखिल हुए हैं, रूम ने अपनी किताबें जमा की हुई हैं। अचानक में शम्स मौलाना रूम से पूछते हैं इन चीज ये क्या है? फरमाते चीज याज के तू नमीदानी, ये वो चीजें हैं तो तू नहीं जानता। शम्स ने किताबें उठाई और मस्जिद के हौज में डाल दी। भी सारे जा रहे हैं तो देख लो भाई, अभी मातम होगा ना भाई? जी तो देख लो भाई भी सब जा रहे हैं यहाँ से। दुरे। 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 दुरे।
कर अप्पा सिया कर है मातम बापा कैसे शबीर को घर से बुलाया गया कृष्णा वाला कम से कम बहुत लंबा ब्लॉग ही आइडिया देंगे कि कितना लंबा खींचा देखो तुम्हारा भाई कहाँ पर बना रहा है ऊपर अगर वीडियो छोड़ कर तो देख लो भाई कितने वाला लंबा भाई चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना बहुत ज्यादा चौड़ा देख लो भाई
हाय दुख दे मेरे पान सुना दो मुझे भैया सुना दो मुझे भैया की तरह भैया घर पर तो आपने भी देखा होगा सारा मुहर्रम में मातम हुआ है भी बाहर वो निकला था जुलूस टाइप से। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के कर देना, और जल्दी ही ऐसी वीडियोस चाहिए आपको मुहर्रम की और भी डेली व्लॉग्स लाइफस्टाइल व्लॉग्स, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब भी कह रहा हूँ।